सो हेलो हिप हॉप के दीवानों, कैसे हो भाइयों आप सब। बढ़ते हैं आज की पहली अपडेट की तरफ। तो स्ट्रीमर और रैपर अर्पित बाला ने अपनी लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम पे स्टैन फैंस के बारे में बात करी, आप लोग देख लो। मैंने याद है एक चीज बोली थी कि लोग पहले एमसी स्टैन को तड़ी पार सुन के बोलते हैं ब्रो दिस इज द ग्रेटेस्ट शिट एवर, दिस इज द ग्रेटेस्ट शिट एवर, बट कोई भी वही वाले लोग ना एमसी स्टैन के शो पे नहीं जाते। ये जितने भी लोग एमसी स्टैन की डिक राइडिंग करते हैं ट्विटर पे, तड़ी पार द ग्रेटेस्ट एवर, कोई एमसी स्टैन के शो पे नहीं जाता। पता है क्यों? क्योंकि उनसे देखा नहीं जाता कि उनसे नीची क्लास का आदमी भी एमसी स्टैन सुन रहा है और वहां पे एंजॉय कर रहा है। एक तो ये रीजन, और दूसरा कि उनको चूरी ब्लेड से भी डर लगता है। बाय द वे ज्यादा सीरियस मत हो जाना। खैर बढ़ते हैं आगे। तो डिवाइन एक इवेंट में गए थे एंड जून की करण ओजला के साथ कोलैब एल्बम आने वाली थी, वो इसी हफ्ते आ रही है, ऐसा खुद डिवाइन ने कंफर्म करा है। इस हफ्ते मींस दो तीन दिन में आ जानी चाहिए, लेट्स सी क्या होता है। नेक्स्ट अपडेट हरजस की तरफ से। तो क्या हरजस ने अपने लेटेस्ट ट्रैक में रागा को डिस कर दिया है? ऐसा मुझे भी लगा, इवन कुछ कॉमेंट्स भी है ऐसे। मैं आपको हरजस के ट्रैक की कुछ लाइन्स सुना देता हूँ। आज भी चलती स्कूटियों पे आशिकी, ये बार भी मैंने ही लिखी थी याद नहीं, लड़के सर पे चढ़ के लाइनें सारी ढाप ली, मैं इस बार तुझे करने वाला माफ नहीं। आई गेस आप सब ने रागा का ट्रैक जमुना पार सुना ही होगा। अब पता नहीं रागा के लिए थी वो लाइंस या किसी और के लिए। नेक्स्ट अपडेट करुण वर्सेस बिलीफ की तरफ से। करुण वही जिनका महारानी ट्रैक काफी तगड़ा वायरल हो रखा है अभी। खैर करुण एंड बिलीफ के बीच में लफड़ा हो गया है। बेसिकली करुण की एल्बम कबूल है में एक ट्रैक है ड्राई स्पेल, जिसमें करुण सस्पेंडेड एंड बिलीव है। एल्बम को आए ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं। देन कल सडनली करुण ने कुछ ऐसी स्टोरी शेयर करी। मैं रील डाल दूंगा क्योंकि तुम मेरे 100-200 के गाने के ना पैसे चुरा के ना भाग जाओगे और मेरी ना रॉयल्टी तुम खर्च कर दोगे, मैं एक छोटा आर्टिस्ट हूँ। इसमें बेसिकली वो काइंड ऑफ बिलीफ की मिमिक्री कर रहे थे। बिलीफ ने काफी सारी स्टोरी शेयर करी। बिलीफ ने बताया कि ड्राई स्पेल सॉन्ग उन्होंने बनाया था सस्पेंडेड के साथ, जो कि करुण को अपनी एल्बम के लिए चाहिए था। 2022 में आया था गाना एंड आज तक उनको कोई रॉयल्टी नहीं मिली है, मतलब जो भी पैसे वगैरह बने उस गाने से, ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट बना ना कोई एग्रीमेंट। खैर करुण ने फिर एक और स्टोरी शेयर करी कि मार्च एंड के बाद उस गाने के बाकी दो आर्टिस्ट 50-50 रॉयल्टीज रख सकते हैं, उनको अब कुछ नहीं चाहिए उस गाने से। एंड बिलीफ ने एक ड्राइव का लिंक शेयर करा है जिसमें करुण एंड करुण के मैनेजर के साथ की पूरी कन्वर्सेशन है। अगर आप इंटरेस्टेड तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बढ़ते आगे। तो एमसी इनसेन की फुल एल्बम दी हील एल्बम आउट हो चुकी है। इसके अलावा नेजी का फियरलेस ट्रैक आउट हुआ है, दीपहाक्स का कोलैब ट्रैक आउट हुआ है, वैलेंटाइन स्पेशल तू और मैं। सुनने के लिए नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।